हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है डॉक्टर राघवेंद्र सिंह और आज मैं आपको बताऊंगा कि मटर की खेती कैसे करते हैं। मटर की मैं वैज्ञानिक विधि बताऊंगा कि मटर की खेती हम लोग कैसे करें कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। मटर के बारे में हम लोग सभी लोग जानते होंगे कि मटर क्या होती है। मटर को हम लोग सब्जियों के लिए भी यूज़ करते हैं, दाल वाली फसलों के लिए भी यूज़ करते हैं और अन्य चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो मटर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। यह मुख्यतः रबी सीजन में बुआई की जाती है इसकी, मतलब कि यह ठंडी वाली फसल है। तो हम लोग को अगर रबी फसल में इसकी हम लोग बुआई करते हैं या ठंडियों में इसकी बुआई करते हैं तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। रबी फसल की जो हम लोग की मटर होती है या जो मटर होती है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत पाया जाता है या इसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हम लोग को रबी सीजन में मटर की खेती करनी चाहिए। मटर की खेती से हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मटर की खेती करने के लिए हम लोग को कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पहला हो गया कि खेत में नमी होनी चाहिए। अगर हम लोग को मटर की खेती करनी है तो खेत में नमी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर नमी नहीं रहेगी तो जर्मिनेशन परसेंटेज, मतलब उसका जो जमाव होता है वो बहुत ही कम होता है, तो हम लोग को नुकसान पहुंच सकता है, हम लोग को नुकसान हो सकता है उसके उत्पादन में। तो नमी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है मटर की बुआई में। उसके बाद जो ध्यान देने वाली बात है कि बीजोपचार करना चाहिए। अगर हम लोग बुआई से पहले बीजों का उपचार करेंगे तो जो रोग लगने वाले हैं हमारी मुख्य फसल में मटर में, उन पे रोग नहीं लगेंगे तो हम लोग को रोग जनित बीज मिल जाएगा, तो उससे हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, हम लोग को इनको लाइनों में बुआई हम लोग करते हैं, लाइन में जो बुआई करते हैं उसकी जो लाइन से लाइन की दूरी होती है वो लगभग हम लोग 30 सेंटीमीटर रखते हैं। 30 सेंटीमीटर हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हम लोग बुआई अच्छे से लाइन कतारों में करेंगे तो हम लोग को जैसे खरपतवार निकालने में भी आसानी होगी। अगर हम लोग को फर्टिलाइज़र देना है तो फर्टिलाइज़र भी हम लोग अच्छे से दे सकते हैं और भी अन्य जो एग्रीकल्चरल, मतलब कि जो खेती वाली जो भी काम होते हैं, निराई गुड़ाई वाला काम अच्छे से कर सकते हैं और हम लोग फर्टिलाइज़र भी अच्छे से दे सकते हैं, सिंचाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग रबी के मौसम में हम लोग मटर की खेती कर सकते हैं। और हम लोग को ध्यान देने वाली बात और भी है कि हम लोग को अच्छी बीज का चुनाव करना चाहिए जो जिनमें रोग ना लगे हों। हम लोग को ऐसी रबी की मटर की चुनाव करना चाहिए और हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जो गहराई होगी हम लोग की वो 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में हम लोग बुआई करते हैं। बुआई करने के बाद हम लोग उसको हाथ से अच्छे से ढक देते हैं जिससे वो मिट्टी में दब जाए और जर्मिनेशन अच्छा हो जाए, उत्पादन हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और हम लोग को एक बात ये ध्यान देना चाहिए कि मटर एक दाल वाली फसल है, तो अगर हम लोग खाद्यान्न फसलों के बीच में दाल वाली फसलें लेते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि भूमि में, मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा होता है और अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन ज़्यादा होगा तो जो हम लोग की आने वाली फसल है उसमें हम लोग को नाइट्रोजन कम से कम देना पड़ेगा, तो जो किसान भाइयों की जो लागत लगती है उर्वरकों में या रासायनिक खादों में उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने भी ये बताया है कि अगर हम लोग खाद्यान्न फसलों के बीच में दाल वाली फसलें लेते हैं तो उत्पादन तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा ही और जो नाइट्रोजन उर्वरक की जो लागत लगती है वो भी कम हो जाती है। तो दाल वाली फसलों की विशेषताएं होती हैं कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, तो हम लोग को खाद्यान्न फसलों के बीच में दाल वाली फसलें लेना चाहिए और इसका मुख्य फसल के रूप में हम लोग मटर की खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग इन बातों पर ध्यान देंगे तो मटर की खेती अच्छी से अच्छी हम लोग कर सकते हैं।